नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के खास पार्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि इंसान जब भी हम बात करते हैं तो सामने वाला इंसान अपनी बाहों को क्यों मोड़ता है, क्यों इंसान किसी भी इंसान से बात करते समय इस अवस्था में आ जाता है, इसे आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री को जानते हैं। जैसे बचपन अवस्था में क्या होता है कि जब भी इंसान किसी चीज से डरता है तो ऐसी जगह पे छिप जाता है, ठोस जगह पे, जिससे उसकी सुरक्षा हो सके। जैसे बचपन में अगर कोई बच्चा डरा तो क्या करेगा, टेबल के पीछे, दरवाजे के पीछे या फिर अपने पेरेंट्स के पीछे जाके छिप जाता है, जिससे उसकी सुरक्षा हो सके। ये जो सीख होती है धीरे धीरे क्या होती है कि युवा अवस्था तक आती है। अब बड़े होने के बाद क्या होता है कि इंसान किसी चीज के पीछे तो छिप नहीं सकता है, तो वो इंसान क्या करता है कि अपने हाथों को मोड़ना शुरू कर देता है। ये होता है डर की अवस्था में। जैसे इंसान किसी चीज से डरेगा, जैसे आप अगर अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अगर आपका दोस्त आपकी बातों को नहीं मान रहा है या फिर उसे डरा हुआ है उस बात से, तो अपने हाथों को मोड़ना शुरू कर देगा। तो हम यहाँ पे ये जाने कि जो हम हाथ मोड़ते हैं बॉडी लैंग्वेज में, उसका क्या क्या कारण होता है, कैसे कैसे होता है और उसका क्या क्या फायदा हो सकता है, लिया जा सकता है। जैसे जब भी आप किसी सेमिनार में जाएं तो अक्सर आप देखिएगा कि जब भी आप किसी का बुराई कीजिएगा तो इंसान को आप देखिएगा कि वो अपने हाथ को मोड़ना शुरू कर देगा। या फिर क्लासरूम में जाइए, क्लासरूम में जब भी स्टूडेंट सबको लगेगा कि वो आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं या फिर आपसे वो सहमत नहीं, तो अपने हाथों को मोड़ना शुरू कर देंगे। इस पे रिसर्च हुआ, रिसर्च में कुछ स्टूडेंट को ये कहा गया कि आप अपने हाथों को मोड़ के बैठिए और कुछ स्टूडेंट को ये कहा गया कि आप अपने हाथों को खोल के बैठिए। तो रिजल्ट में ये पाया गया कि जो छात्र अपने हाथों को मोड़ के बैठे थे उनके अंदर नकारात्मक भावना ज्यादा पाई गई और जो छात्र अपने हाथों को खोल के बैठे थे वो सकारात्मक रूप से मिले, उनके अंदर सकारात्मक भावना पाया गया। तो ये जो होती है हाथ मोड़ने का विधि या फिर इंसान जो हाथ मोड़ता है उसका एक ही मतलब होता है कि इंसान सामने वाले से डरा हुआ है, इंसान सामने वाले की बातों को नहीं मान रहा है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि जैसे कोई कार किसी भी शोरूम में जाते हैं कार बाइक लेने के लिए, तो जो दुकान का बेचने वाला है सेल्समैन, वो क्या करेगा कि आपके हाथों में कॉफी या फिर ऐसे कुछ गर्म चीजें दे देगा जिससे आपके हाथ क्या होंगे, दोनों ओर सूख जाएंगे। उसके बाद आप क्या कहेंगे कि जो वो कहेगा उस चीज को आपको मानना पड़ेगा और आप मानने लगते हैं। उस समय आप उसके प्रति सकारात्मक हो जाते हैं क्योंकि आप उस अवस्था में अपने हाथों को मोड़ नहीं सकते। उसके बाद क्या होता है कि जैसे इसका आप यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आप सेल्समैन हैं, कोई चीज बेचने गए हुए हैं, आप अपने ग्राहक को देखिए, अगर उसने अपने हाथों को फोल्ड किया है तो इसका मतलब ये वो स्थिति है जहाँ पे वो आपकी चीजों को खरीदने वाला नहीं है, आप कितना भी उसे समझा दीजिए। जैसे आप कहीं सेमिनार दे रहे हैं या फिर कहीं मीटिंग चल रहा है, वहां पे आप अगर देखते हैं कि आप कुछ लोग अपने हाथों को मोड़े हुए हैं तो आप ये समझ रहे कि आपकी बातों पे वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपको अपनी शैली को बदलना होगा, बात करने के तरीके को या फिर अपने टॉपिक को बदलना होगा जिससे वो आपकी बातों पे ध्यान दे। और इन सब चीजों से हमको ये पता चलता है कि कोई इंसान आपके प्रति सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। इससे अब हम आने वाले वीडियोस में ये बताएंगे आपको कि हर एक फोल्ड, जैसे हम तरह तरह से हाथ इंसान बंद करता है, जैसे इस तरह का कोई ऐसे बंद करता है, तो ये हर चीज का क्या क्या मतलब होता है इसे हम अगले वीडियोज में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हर वीडियोज आपसे जुड़े हुए हैं और आपको डायरेक्ट लाभ पहुँचाएंगे। थैंक यू।